एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं वहाँ पे जो चिंचन होता है वहाँ पे देख रहा होता है, वहाँ पे जो उसकी सारी की सारी एनर्जी पार्टिकल होती है, तभी वो सोचता है कि चलो इस जेड स्लिप में जो जगह लिखी है वहीं जाके देख लेते हैं, क्या पता कुछ रास्ते मिल जाए ब्रेक थ्रू का। और हम देखते हैं कि उसी तरीके से आगे चला जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो महसूस करता है कि यहाँ पे तो जो होती है वो ठंड बहुत ज़्यादा होगी होती है इस रास्ते में, वहाँ पे कोल्ड एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तभी वो आगे बढ़ता है, जब वो वहाँ पे आगे जा रहा होता है तभी वो वहाँ पे नोटिस करता है कि वहाँ पे हर तरफ से अलग अलग तरीके का एक धुआं निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे तो एक गोस्ट है, जिसपे वो देखते हैं वो सभी घोस्ट उसे नोटिस कर लेते हैं और तभी वो सभी उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जिसपे हम देखते हैं वो तभी अपने अटैक फॉर्म में उन पर अटैक करने लगता है, उनसे बचने की कोशिश करने लगता है उन सभी घोस्ट से। और हम देखते हैं वहाँ पे उन पे ऊपर अटैक करता है और उन्हें सभी को दूर फेंक देता है और मार देता है। और तभी इसी चक्कर में वहाँ पर और भी ज़्यादा घोस्ट होते हैं, वो सब और ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पर और उन सभी को वहाँ पर मार रहा होता है, उन सभी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर जितने वो मारता है उससे ज़्यादा वहाँ पर घोस्ट आते हैं और वहाँ पर आपस में वो दोनों जो जितने भी घोस्ट होते हैं आपस में वहाँ पे बट रहे होते हैं, वो वहाँ पे एक तरीके से अपनी क्लोनिंग कर रहे होते हैं, अपनी पावर को डिवाइड कर करके वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो हम देखते हैं वहाँ पे तभी अपना जो वही कवच होता है उसे वापस से पहन लेता है और हम देखते हैं वो एक फिर अपनी पावर की मदद से वहाँ पे एक जो प्रोटेक्टिव जो शील्ड होती है उसे बना लेता है, जिसपे वो सभी घोस्ट वहाँ पे वो रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। लेकिन हम तभी देखते हैं वो सभी वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, तो कहते हैं कि मुझे लगा ही था ये लोग ऐसी कुछ जरूर कर सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो जो भी होता है वहाँ पे अपना तभी वहाँ पे वो ग्रीन लोटस फ्लावर फ्लेम होती है उसका इस्तेमाल करता है और उन सभी को वहाँ पे जला देता है और उन सभी को वहाँ पे दूर फेंकने लग जाता है, जिस पर हम देखते हैं तभी वो वहाँ पे जो ग्रीन लोटस फ्लावर होता है उसे वहाँ पे कंडेंस करने लग जाता है, ताकि वो उन सभी घोस्ट को वहाँ पे मार सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसे कंडेंस करके वहाँ पे उन सभी की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं कि उस जो लोटस में से जो फ्लेम होती है वो फ्लेम निकल के वहाँ पे जितने भी घोस्ट को टकरा रही होती है वो सभी वहीं पर ख़त्म हो जा रही होती है और वहाँ उससे बहुत ज़्यादा रेज निकल रही होती है, जहाँ आस पास में जितने भी घोस्ट होते हैं वो सभी मर जाते हैं उसकी मदद से। जिसके बाद हम तभी देखते हैं जब वो उन्हें वहाँ पे ख़त्म कर देता है जितने भी घोस्ट होते हैं, तभी वो जो घोस्ट होते हैं उससे डर के वहाँ से भागने लग जाते हैं, तभी वो वहाँ से भाग जाते हैं इसी का मौका फ़ायदा उठा के। तभी हम वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे जो बुलेट किंग होता है वो भी उसी रास्ते पर पहुँच जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं घोस्ट उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिस पर वो वहाँ पे कहते हैं अच्छा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो अपनी जो पावर की होता है वो इस्तेमाल करता है और वहाँ पे जो घोस्ट होते हैं उन सभी को अपनी ब्लड पावर की मदद से वहाँ पे उन्हें ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जब वहाँ पे वो घोस्ट होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे वो लड़का आया था तो यहाँ पे उसकी कहीं उस पर लाश क्यों नहीं है, वो यहाँ से बच गया क्या। तभी वो वहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है उस सब कुछ देख कर, और हम तभी वहाँ पे आगे देखते हैं जो वो सेवन डायनेस्टी के किंग होते हैं वहाँ पे वो भी वहाँ पे आगे होते हैं, उन सेवन डायनेस्टी के लोगों के ऊपर वहाँ पे वो घोस्ट सब लोग भी उन पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसपे वो सभी लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो एक को पकड़ भी लेता है घोस्ट और वो वहाँ पे उसे जिस तरीके से मार देता है, जिसपे हम देखते हैं वहाँ का जो किंग होता है उन डायनेस्टी का वो ये सबको देख के हैरान होता है कि इस तरीके से तो यहाँ से नहीं निकला जाएगा। और तभी वो वहाँ पे जाके अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा लेता है और वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है वहाँ पे जितने ज़्यादा घोस्ट होते हैं और उन सभी के ऊपर लगातार अटैक करता रहता है और वहाँ पे वो वहाँ अपने जो पाम अटैक होता है उन सभी के ऊपर वो अटैक करता है और वहाँ पे जितने भी घोस्ट होते हैं उन सभी का अटैक में वहीं पे ख़त्म हो जाने लगते हैं होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो पूरी जगह धीरे धीरे करके टूटने लगती है और वहाँ पे और ज़्यादा घोस्ट होते हैं वो आने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो उन्हें कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से जाके कहीं और छुप जाओ और तुम लोग मेरे लिए यहाँ पे काम बढ़ा रहे हो, जिस पर वो कहते हैं ठीक है और सभी लोग वहाँ से छुप जाते हैं जाके। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पे उनसे लड़ने लग जाता है और हम दूसरी डायरेक्शन में देखते हैं कि वहाँ पे वो दूसरी उसमें जो वहाँ पे ब्लड सेक्ट का आदमी होता है वहाँ पे भागता हुआ जा रहा होता है। तभी वहाँ पे जो उसके साथ में वो वहाँ पे भी डायनेस्टी का आदमी कह रहा होता है कि मास्टर ने सही कहा था, हमें आपके साथ भेजा था और आपकी जो स्पेशल टेक्निक है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही होती है, इसलिए हमें मास्टर ने आपके साथ भेजा था। तभी हम देखते हैं वो इसी तरीके से उन सभी घोस्ट को दूर फेंकते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं और हम देखते हैं चिंचन एक जगह पहुँच जाता है, जहाँ पर वो जगह पर पहुँच के वहाँ पर कहता है तो ये है वो जगह जहाँ पर वहाँ पर मैप में लिखा हुआ था जेड स्लिप के, और वो सारी जगह एक तरीके से खंडर होती है। तभी वो उस जगह को देख रहा होता है और तभी उसे वहाँ पर कुछ मिलता है जो वहाँ पर उसे कुछ बोल दिखते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं और वे सभी एक फॉर्मेशन टाइप में कैद होती है। इसके बाद वहाँ पे जो चिंचन होता है उन सभी को देखता है और उनकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। तभी वो कहता है ओ तो ये चीज़ थी यहाँ पे जो उसमें लिखी हुई थी मैप में। तभी वो वहाँ पे कहता है कि अपनी वहाँ पे जो तलवार होती है उस तलवार को निकाल के वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे उस अटैक में वो ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे उसे वो जो चीज़ स्टोन दिखता है, जिस पर देख के खुश हो जाता है कि ये तो टॉप बहुत पावरफुल चीज़ स्टोन है। जिसके बाद वहाँ पे ब्लड किंग आता है, वो ये सब कुछ देख के बहुत खुश होता है और कहते लड़के तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अब तेरा काम यहाँ पे पूरा हो गया, अब ये स्टोन भी मेरे होंगे जो भी तूने ढूंढे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो अपनी जो एनर्जी फिर से कंडेंस करके होता है और फिर से अपने एक पाम टाइप अटैक उसके ऊपर कर देता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।